लाहौरी खवातीन हर खुशी और त्योहार का लुत्फ मजे मजे के खानों से दोबाला कर देती हैं। मैदे के रास्ते घर वालों के दिल में उतरने के लिए बाज लड़कियों ने तो कुकिंग ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स भी कर लिए। मैं ईद पे ये सारी डिशेस ट्राई करूंगी और इस कोर्स को एज ए प्रोफेशन आगे लेके जाऊंगी। कोर्स की वजह से हमारी काफ़ी कुकिंग स्किल्स इंप्रूव हुई हैं और उसकी वजह से घर वालों की तारीफें भी मिलती हैं, और लिहाजा इस चीज़ पर हम उन्हें मज़े मज़े के पकवान बना के खिलाएंगे और तारीफें हासिल करेंगे। मैंने जो ये कोर्स सीखा है वो अपने हस्बैंड के लिए सीखा है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो आदमी का दिल का रास्ता है वो मैदे से होकर जाता है, तो इंशाल्लाह अब मैं ये मज़े मज़े के लजीज खाने उनको बना के उनका दिल जीतूंगी। कुकिंग ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स का कहना था कि लड़कियों ने कोर्स बहुत दिलचस्पी से मुकम्मल किया। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल डिशेस के अलावा ईद के लिए भी बहुत सी डिशेस बनाना सीखी हैं। 3 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स किया, राइट, और इसमें हमने इनको डिफरेंट कुजींस जो हैं, इंटरनेशनल कुजींस इनको सिखाई हैं। ये माशाल्लाह से ये इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि ये मार्केट में जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला ये बेसिक नॉलेज इनको आ चुका है। इस प्रैक्टिकल के बाद बच्चे एक्साइटेड बहुत हैं, क्योंकि ईद बहुत करीब है, वो सारी रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं और साथ में वो इस कोर्स को आगे एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं। अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखने के लिए खवातीन अब इनवाव एग्जाम के खाने घर पर पकाने को तरजीह देती हैं। खवातीन का कहना है कि इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से ना सिर्फ उनकी कुकिंग की सलाहियतों में निखार आता है बल्कि उनको रोजगार के मौके भी मुयस्सर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ सादिया निसार, जाग, लाहौर।